गाइस कैसा, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज डे टू है मेरा, मीन्स कि आज कल निकला था और आज सेकेंड डे है। हम लोग आज सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे और जो समय हो रहा है लगभग इवनिंग का 5:30 बज रहा है। और आज की जो ट्रिप रहेगी अपन चलेंगे बाहर कहीं घूमने और लोकल की जो प्लेसेस है थोड़ी बहुत कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना MG मार्ग पड़ता है, वहाँ पे जाके अपन एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि ऐसा बोलता है गैंगटॉक जो यहाँ का राजधानी है सिक्किम की, यहाँ पे जो है तो जो MG रोड है वो काफ़ी बेटर प्लेस है घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा क्लीन प्लेस है। सो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को। सो होटल्स भी दिखा देते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जो कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था तो लगभग 2,000 का मुझे होटल पड़ गया था। और साथ ही यहाँ पे 2 सोफ़े मिल जाएंगे और खाने वगैरह की प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है इनका। और आपको गीज़र वगैरह मिल जाता है। एक चीज़ आया गई, मोस्टली जगह आपको पंखे और AC वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। और होटल से जस्ट बाहर साइड में आप निकलते हैं तो आपको ये वादियों का पूरा नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है चारों तरफ से। सो गाइज लगभग सुबह 8:30-9 बजे हम लोग होटल पे आ गए थे, उसके बाद डायरेक्ट सोना ही हो गया था क्योंकि सारी रात ट्रैवल कर लिया था तो फिर आगे जो है कहीं घूमने और जाने की इच्छा बची नहीं थी। सो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं और उसके बाद नहाया है। नहाने के बाद अब जो है कि फिर आगे चलते देखते कि बाहर का क्या व्यू है। और नाश्ता वगैरह सुबह कर लिया था लेकिन अभी भी थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। सो बाहर फटाफट देखते कुछ भी मिल जाए तो उसको खाते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेज मिलना प्रॉब्लम हो जाती है। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो मिल जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि ये राजधानी है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो चलिए बाहर चलते फिर देखते। सो गाइज अपना ये है होटल और इसके सामने जस्ट अपनी गाड़ी खड़ी है और ये आप साइड में देख सकते हैं कुछ इतना प्यारा मौसम और पूरा फॉग फॉग ही दिख रहा है गाइज। अभी थोड़ी सी धूप भी निकली है तो इसलिए थोड़ा सा मौसम खुला हुआ दिख रहा है। सो गाइज अभी जो प्लान है हमारा MG मार्ग जाने का प्लान है और आज MG मार्ग घूमेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा समय था नहीं क्योंकि हम लोगों ने पूरी रात ड्राइव किया था। सो दैट्स वाई रेस्ट करना ज़रूरी था। सो अभी रेडी हो गए, अब MG मार्ग जाएंगे और MG मार्ग जाने के बाद फिर वहाँ पे देखते कितना समय लगता है और अपने को आगे जो है सिक्किम घूमने के लिए मुझे शायद परमिट वगैरह भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो सो टूर्स और ट्रैवल्स वाले से जाके एक बार बात करेंगे वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, सो उसके अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। सो गाइज अभी सुबह से शाम हो गई है लेकिन सुबह तक मुझे कहीं धूप देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अभी काफ़ी प्यारी सी धूप निकली, आप देख सकते हैं ना पीछे साइड, ये देखिए मस्त धूप निकली है पूरे उसमें। धूप निकलने के बाद तो काफ़ी अच्छा यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। सो चलिए धीरे धीरे अपन चलते हैं MG रोड की साइड और देखते क्या है। यहाँ का रास्ते का भी एडवेंचरस आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा ऐसे खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, यहाँ से आने के बाद ये टर्न लिया और इधर से ऐसा आते तो यहाँ पे पता है यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी स्कीड कर रही थी अपनी, मतलब 2x2 पे अपन चढ़ा रहे थे थार को, देख रहे हैं मतलब आप अगर नॉर्मली अगर जा रहे हैं ना तो नॉर्मली आपको निकलने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है। और ये आप देखें यहाँ पे अपनी गाड़ी स्किड कर रही थी, फिर 4x4 का यूज़ करना पड़ा जाने के लिए। आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट जाके और अपने को यहाँ से फिर ऊपर जाना पड़ा था। तो ये वाली जो चढ़ाई है इसको चढ़ने में थोड़ी सी गाड़ी स्किड कर रही थी अपनी। सो और नीचे का भी सेम है। और होटल आप देख रहे हैं ये ऊपर यहाँ पे जो अपना रीगल रेसिडेंसी लिखा हुआ है वहाँ पे होटल है। तो ये चीज़ें थी। सो आपको ये देखिए देखता हूँ आप, मतलब ये है फर्स्ट चढ़ाई जी यहाँ से गए, उसके बाद फिर आपको ये वाली जो दिख रही है ये सेकेंड चढ़ाई है पूरी है और एकदम डायरेक्ट चढ़ाई है, और फिर इसके ऊपर भी होटल है अपना। सो गाइज गैंगटॉक अगर आइए तो फिर MG मार्ग के काफ़ी पास में ही होटल लीजिएगा, जैसे शाम के टाइम पर आप MG रोड घूमने चले जाएँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। गाड़ी हमारी होटल पर पार्क है और हमने शेयरिंग जो यहाँ की टैक्सी है तो शेयरिंग टैक्सी के थ्रू हम लोग अभी जा रहे हैं MG रोड, और MG रोड में थोड़ा सा वहाँ का माहौल देखेंगे उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो होटल से निकलते गए, जैसे कि हमने टैक्सी कर लिया था तो उसने 15 मिनट के लगभग में मुझे छोड़ दिया MG मार्ग रूट। और ये है MG मार्ग और आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी की जो स्टैचू बना हुआ है, सो इसीलिए यहाँ पे इसको MG मार्ग कहते हैं। सो चलिए नीचे की तरफ चलते देखते और अंदर की साइड। सो यहाँ से ये MG मार्ग एंट्रेंस है, यहाँ से आप इंटर करेंगे अंदर जाएंगे तो मतलब यहाँ से MG मार्ग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जस्ट आगे आप देख रहे हैं ना सामने महात्मा गांधी जी की स्टैचू बना हुआ है तो इनके नाम पे रखा हुआ है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर देखते हैं। सो आइए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ MG रोड का पूरा नज़ारा। और एक्चुअली अपन वेट कर रहे हैं नाइट का, थोड़ा सा जब नाइट वगैरह हो जाएगा ना तो लाइटिंग वगैरह का जो यहाँ पे इफेक्ट्स है तो उसके बाद से जो ना यहाँ का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। सो आपको पहले दिखाता हूँ पूरा मार्ग दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अपन रिपीट कर लेंगे वापस।
फाइनली गाइस लगभग समय हो गया 6:30, तो अपन यही वेट करते कि थोड़ा नाइट का टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे खूबसूरती यहाँ की बोलते कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आया लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है, बट अभी थोड़ा सा ऐसे टहल टहल के काम कर रहे, चले देखते क्या है। सो गाइस नाथुला पास जो है आपसे हमने बुकिंग करवाई है नाथुला पास के लिए, क्योंकि क्या है कि जो कल वहाँ पे टैक्सीज वगैरह ही जाती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं जा पाते, तो इसलिए अपनों को शेयरिंग टैक्सी हमने यहाँ से कराई है 2 लोगों की। सो फाइनली गाइस जो इवनिंग टाइम का वेट कर रहे थे वो हो चुका है, और अभी लाइटिंग्स वगैरह अभी स्टार्ट हो गई है। सो चलिए आपको अब पूरा का पूरा एमजी मार्ग जो है आपको स्टार्टिंग से विजिट करा देता हूँ इवनिंग टाइम का। We'll be right back.
सो गाइस ये कुछ नज़ारा देख सकते हैं एमजी रोड का, शाम का टाइम है। एक्चुअली शाम का ही वेट कर रहा था मैं कि जब भी शाम हो जाएगी तो फिर वो सही रहेगा वहाँ पे घूमने का। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है, आपको दिखा तो पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी हो रखा है यहाँ पे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे कि प्लास्टिक जो है वो पूरी तरीके से बैन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे, मतलब कहीं प्लास्टिक प्लास्टिक ऐसे आपको देखने के लिए नहीं। गाइस लगभग लगभग तो सब दिखाते हैं, अभी कुछ नहीं बचा, सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं यहाँ से, लगभग चलने का भी समय हो गया क्योंकि लगभग एक दो घंटे से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। और अब यहाँ से निकलते सीधे होटल की तरफ क्योंकि फिर खाना वाना भी है, क्योंकि यहाँ से दो तीन किलोमीटर अपना होटल भी पड़ता है, तो फिर आगे देखिए टैक्सी वगैरह का क्या जुगाड़ होगा। तो फिर आगे निकलते हैं, कुछ ये रहेगा व्यू देखिए चारों तरफ का। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे जो जो थी जितना हो सका मैंने कवर तो की है, कुछ छूटा होगा तो कोई बात नहीं। कल अर्ली मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना भी पड़ेगा क्योंकि आगे का भी मैंने प्लान शेड्यूल कर रखा है। सो ये अपने गांधी जी देख सकते हैं आप पीछे मेरे, तो इनके नाम पे ये है जो एमजी मार्ग बनाया गया है। सो पीछे गांधी जी का भी स्टैचू है और ये कुछ है यहाँ का नज़ारा। सो गाइस यहाँ का ट्रिप हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट जितना घूमना था घूम लिया। अब आगे का जो प्लान रहेगा ना मेरा, अब कल का है नाथुला पास का, जो कि चीन और इंडिया का बॉर्डर पड़ता है। धीरे धीरे गाइस फॉग भी आ रही है यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं पीछे एकदम से फॉग वगैरह भी आना चालू हो गई है। सो उसके लिए देखिए गाइस क्या था कि अपनी प्राइवेट गाड़ी आप नहीं ले जा सकते, उसके लिए टैक्सी करना रहता है या कि फिर आप रिजर्व गाड़ी जो भी रहती है उसके थ्रू जाना रहता है। सो उसके लिए हमने देखा यहाँ पे शेयरिंग और टैक्सी जो रहती है उससे ही जाएंगे, जो कि 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज आ रहा है। और अगर आप पर्टिकुलर सिंगल गाड़ी लेते हैं कि पूरी वैन अगर बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 6000 रुपये देना पड़ता है। तो हम लोगों ने शेयरिंग ही लिया है क्योंकि दो लोग हैं। कल मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग को पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद वो ले जाएंगे, जो कि कल शाम तक 5 बजे तक फिर वापस जो है गैंगटॉक छोड़ देंगे। सो चलिए अब होटल की तरफ चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया घूमना, सो मिलते हैं होटल में। कहीं हो सकता है अगर हम लोग चार धाम यात्रा के लिए जाएंगे ना, तो ये जो है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, यहीं से कल अपने को पास बनवाना रहेगा। जो कल नहीं अगर, तो कल तो अपन जा रहे हैं उधर नाथुला और उसके बाद फिर जो रहेगा यहाँ से पास बनवा के निकलेंगे। फिर फॉग देख रहे हैं गाइस, फॉग बढ़ने लग गया है काफ़ी ज़्यादा। अभी हम लोग आए थे तो आपको देखा था धूप थी, और उसके बाद अभी जो मौसम है आप देख सकते हैं ये इधर का अंदर की साइड में देखिए, अभी एकदम पूरा क्लियर था विजिबिलिटी, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गई है ना। सो चलिए दीपू भैया से थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का, क्या गुरु मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है ना। आप कल कहाँ जाना है? कल अपने चलना है नाथुला। कल गाइस नाथुला निकलेंगे अपन लोग सुबह सुबह 8 बजे। ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करवा ली है बट अभी उन्होंने कुछ मुझे भेजा नहीं है डिटेल्स। सो कल देखते हैं सुबह, उन्होंने बोला है मैं रात में एड्रेस वगैरह मैसेज कर दूंगा, और उन्होंने अपना कार्ड भी दिया है। और ये है अगर आप इधर आए तो कुछ भी अगर बुकिंग्स वगैरह का लगेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये तो आप उससे कुछ भी रहेगा तो आप डिटेल्स वगैरह इसमें मिल जाएगी। सो चलिए अभी टैक्सी ले लेते हैं और निकलते हैं होटल पे, क्योंकि अब फॉग वगैरह भी बढ़ रही है और प्रॉपर नींद भी नहीं हुई है, तो यार आज रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है जिससे अपन कल अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एमजी मार्ग से आए, अब खाना वाना खा के फिर आराम ही करना है क्योंकि कल सुबह लगभग 6 बजे जो है तो फिर नाथुला पास के लिए जो कैब जाएगी तो उसके थ्रू ही जाना रहेगा। एक्चुअली वहाँ पे पर्सनल व्हीकल जो है ना अलाउड नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है यार कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके जा सकते। ये थोड़ा सा है कि वहाँ पे चाइना का बॉर्डर है, सो दैट्स वाई टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ ही अलाउड करते हैं। सो अभी यार गाइस रेस्ट करते हैं, और क्योंकि प्रॉपर नींद वगैरह नहीं हुई है यार, क्योंकि पूरा ट्रैवल से 24 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाया, तो 2-3 घंटे दोपहर में सोया था। सो चलिए कल नए ब्लॉग में अपन आपको मिलते हैं और स्टार्ट करते फिर से नया ब्लॉग, और आज के ब्लॉग को ये पे ख़त्म करते। सो यार गाइज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो अगला जो एपिसोड आएगा वो कल आएगा, सो मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। बाय बाय।